दुआओं ने जो वोट हासिल किए, चौधरी परवेज लाई रुकन सुबाई कमरी पी पी थर्टी ने 201 वोट लाए। पंजाब की सियासी इनिंग्स पर परवेज इलाही की शानदार ओपनिंग, स्पीकर के इंतखाब में डबल सेंचुरी, नून लीग की नंबर गेम नाकाम, चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब, नून लीग के इकबाल गुज्जर 147 वोट लेकर शिकस्त से दो चार, डिप्टी स्पीकर के लिए पीटीआई के दोस्त मजारी और नून लीग के वारिस कल्लू में भी कड़ा मुकाबला। होम ग्राउंड में बगावत का सामना, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से कबल ही वोट फॉरवर्ड, चौधरी परवेज इलाही अपने टारगेट से भी 16 वोट जायकले उड़े, नून लीग के उम्मीदवार इकबाल गुज्जर को अंदाजे से भी 15 वोट कम पड़े, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोटों की तादाद 186 थी, जबकि नून लीग को 162 में से 147 वोट मिले, पीपल्स पार्टी का भी एक वोट बाकी निकला, रईस नबील ने चौधरी परवेज इलाही को वोट दिया। चौधरी परवेज इलाही की हल्फबरदारी और खिताब के दौरान शदीद हंगामा आराई, ऐवान मछली मंडी बना रहा, लीगी अराकीन नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर गो स्पीकर गो के नारे लगाते रहे, ऐवान के बाहर परवेज इलाही के हक में नारे, मिठाई तकसीम। वोट के दर गए, लीगी कयादत टेंशन में आ गई, स्पीकर के इंतकाब में अददी कुवत से कम वोट मिलने पर हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म, ख्वाजा साद रफीक और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर अता तारड़ पर मुश्तमिल दो रुकनी कमेटी तश्कील, हमजा शहबाज कहते हैं पीटीआई और काफ लीग ने खरीदो फरोख की सियासत की, मनफी सियासत का जवाब मुस्तकबिल में अपने किरदार से देंगे। वोट देने वाले और एहतजाज करने वाले सबका शुक्रिया, हम नेक नियत लोग हैं, कारकर्दगी में जमीन और आसमान का फर्क होगा, पंजाब के आवाम को कारकर्दगी और कानून साजी का जवाब देना है, हम सब मिलकर अफहाम और तफहीम के साथ ऐवान को चलाएंगे, चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली से खिताब। पीपल्स पार्टी की स्पीकर के इंतखाब के लिए नून और जुनून को ना, आसिफ जरदारी की पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा को पोलिंग आमिल से लातालुक रहने की हिदायत, नून लीग ने हमारे तहफ्फुज़ात दूर नहीं किए, क़यादत को सड़कों पर घसीटने के बयानात दिए गए, हसन मुर्तजा का नून लीग को वोट ना देने पर रद्द अमल। सर 13 जुलाई को अगर आप एयरपोर्ट जाते तो आज अपोजिशन ना करनी पड़ती, क्या कहेंगे इस पे? आजाद उम्मीदवारों को इकट्ठा करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर कोई चार्टर तैयार हवा में नजर नहीं आया, क्या वजह थी, पीछे हटे क्या हुआ? हुकूमत कुर्सी की नहीं होती, हुकूमत दिलों पे होती है। 13 जुलाई को एयरपोर्ट जाते तो अपोजिशन ना करना पड़ती, आपने तकरीर की थी हुकूमत बनाएंगे, आजाद उम्मीदवार इकट्ठे क्यों नहीं किए? एंकर पर्सन फहद शहबाज का हमजा शहबाज से असेंबली में आमद पर सवाल, हुकूमत कुर्सी की नहीं दिलों की होती है, हमजा शहबाज का जवाब। आज नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है, दोस्त धांधली और खरीदो फरोख्त की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, हजारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, शहबाज शरीफ घंटा घर बने रहे, उनके साहबजादे उन्हें आज ये पंजाब असेंबली में ले आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे, ख्वाजा साद रफीक एक सीनियर सियासी कारकुन था और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका हक था। ख्वाजा साद रफीक ने कप्तान को निशाने पर ले लिया, इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए पीपल धांधली की गई, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां हर रोज याद कराएंगे, नई हुकूमत की सिलेक्शन और ट्रेनिंग की बुनियाद हॉर्स ट्रेडिंग है, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बनना ख्वाजा साद रफीक का हक था, मियां महमूद रशीद का जवाबी वार, बोले पंजाब के वजीर आला का ऐलान कल करेंगे। सुबह को नाश्ता, दोपहर को रोटी शोटी, हंगामा खेज इजलास से पहले और दौरान अरकान की खूब तवाजो, रोस्ट चिकन के साथ बिरयानी के मजे, आमदन से जायद असासाजात का मामला, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की नैब में पेशी, नैब हुकाम की 1.5 घंटे तक की पूछताछ, चौधरी परवेज इलाही इजलास में शिरकत के बायस नैब में पेश न हुए। गिरफ्तार आहद खान चीमा जेल में बीमार पड़ गए, जेल डॉक्टर की आहद चीमा को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश, एहतसाब अदालत में भी दरखास्त जमा करा दी गई।
इंसानियत सोज वाकया। गुजरपुरा में डकैती के दौरान 32 साल खातून से ज्यादती, 3 डाकू नकदी और मोटरसाइकिल लेकर फरार, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। डीआईजी ऑपरेशंस का वाकये का नोटिस, मुतासर खानदान को इंसाफ मिलेगा, शहजाद अकबर की यकीन दहानी। निश्तर कॉलोनी में 60 लाख डकैती की वारदात, सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में दो डाकुओं को सरेआम गाड़ी रोककर लूटमार करते देखा जा सकता है। कहीं चोरी, कहीं सरेआम डकैती, पुलिस है कहां? 5 मनपसंद कंपनीज पर एलडीए की नवाजिशात, 5 साल दौरे हुकूमत में 5 कंपनीज को तरक्याती फंड्स का 90% हिस्सा दिया गया। 5 कंपनीज को 79,75,27,13,000 रुपए के ठेके दिए गए। वजन 15 मन, कीमत 16 लाख, सफेद और सुरमई बादल के हर तरफ चर्चे। ईद कुर्बा की आमद आमद, मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। मवेशियों के महंगे दाम, ग्राहकों की व्यापारियों से रेट कम करने की तकरार। और कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। गजल और कवाली के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए। अपनी खूबसूरत आवाज और सूफियाना कलाम के बायस आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा।